झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कार्य समिति की बैठक बुधवार को सर्किट हाउस गुमला में की गई। इस दौरान झामुमो के नवनियुक्त पदाधिकारियों का स्वागत व सम्मान समारोह भी किया गया। बैठक की शुरुआत जिला अध्यक्ष भूषण तिर्की एवं नवनियुक्त जिला सचिव मो आरिफ अंसारी, जिला उपाध्यक्ष सुशील दीपक मिंज एवं अन्य नवनियुक्त पदाधिकारियों को माला पहनाकर एवं गुलदस्ता देकर बधाई दी गई। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष भूषण तिर्की एवं कार्यक्रम का संचालन जिला सचिव मो आरिफ अंसारी ने किया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य जिला कार्य समिति एवं प्रखंड कमेटी के सदस्यों के नियुक्ति के संबंध में चर्चा की गई। इस पर जिला समिति गुमला के वरीय नेताओं एवं पूर्व प्रखंड अध्यक्षों ने अपने द्वारा किए गए कार्यों के बारे में विस्तार से बताया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा की बैठक कर रहे हैं और इस बैठक में झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय कमेटी जो हमारा केंद्रीय अध्यक्ष है शिबू सोरेन और कार्यकारी अध्यक्ष है झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हम लोग गुमला जिला की ओर से कई नामों का एक सूची केंद्रीय कमेटी को प्रेषित किए थे और उस प्रेषित में कई सूची गई थी जिनमें कुछ चुनिंदे लोगों को चुन करके जिला कमेटी का पुनर्गठन किया गया है, जिसमें हमको अखबारों में आप लोगों ने पढ़ा कि दूसरी ना तीसरी बार हमको जिला अध्यक्ष यहाँ गुमला जिला का बनाया गया है और इनके साथ साथ हमारे साथ जो टीम बनी है यहाँ पर सभी लोग यहाँ आज उपस्थित हैं। उस टीम में यहाँ उपस्थित जिला सचिव आरिफ अंसारी और जिला उपाध्यक्ष जो चैनपुर से हैं सुशील दीपक मिंज और जिला उपाध्यक्ष जो सिसई विधानसभा क्षेत्र के एक साव जी हैं शशि साव और जिला उपाध्यक्ष के तौर पर गुमला के मुख्यालय पर रहने वाले ये हमारे बहुत पुराना साथी हैं। अब कितना दिन हम लोग को साथ देंगे नहीं कर सकते हैं, जयप हो गए हैं, जयप मतलब आप लोग समझते हैं बूढ़ा हो गए हैं, नूरुल हुदा और एक हमारे उपाध्यक्ष और हमारा पालकोट प्रखंड से बनाया गया है वो है बीबी मुसरा और यहाँ उपस्थित संगठन सचिव ये हमारे साथी झारखंड अलग राज्य हम लोग जब लड़ाई लड़ रहे थे अलग राज्य का उस समय के साथी है ये रंजीत सिंह और साथ में यहाँ उपस्थित ये घाघरा खरका के इलाके से आते हैं महादेव भगत। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।